हाय फ्रेंड्स, मैं स्वरूप कुमार। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे द्वारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाय फ्रेंड्स, आप कैसे? मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ राजस्थान के प्रसिद्ध जो भी कुएं, बावड़ी, तालाब सबसे प्रसिद्ध माने जाते थे, उससे कैसे पानी निकालते थे और उनको कैसे यूज करते थे, उसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तब तक आप हमारी इस वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। जैसे कि वीडियो में आप अभी देख रहे हो, आगे एक तालाब है बड़ा सा, उसका पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ। उसमें जो बावड़ी है कितनी गहरी है पूरी डिटेल आपको देने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे सामने ही है, थोड़ा दूर है, वहाँ पे जाके पूरी आपको इसका नज़ारा बताता हूँ। जो मैं है तालाब के पास आ चुका हूँ। जो तालाब का जो आप देख रहे हो टीला काफी बड़ा होता है, उसके ऊपर मैं चढ़ने वाला हूँ। तो उसके ऊपर जाके आसपास का नज़र पूरा दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे साइड में तो बाढ़ आ रही है, कैसे जा पाऊंगा? पूरा रुका हुआ मेरे को, नीचे से जाना पड़ेगा। अब फिर लंबा पड़ेगा। अभी मैं आ चुका हूँ इसको, जो तालाब के आसपास में होता है जिसको पाल बोला जाता है, पाली होती है जो कि बड़ी होती है, रेत की बनी होती है, जो कि तालाब पूरे को खोद के बनाया जाता है, उसके ऊपर चढ़ने वाला हूँ। आसपास का पूरा आपको इस वीडियो में दृश्य दिखा देता हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। जैसे कि अभी आप घर से देख रहे हो, काफी दूर पवन चक्की लगी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हो। जैसा मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको, टावर के आगे पवन चक्की लगी हुई है। इस प्रकार आप देख सकते हो कितना अच्छा नजारा दिख रहा है दूर दूर का। अच्छा, काफी ऊंचाई से आपको दिखाने वाला हूँ। अभी मैं आपको तालाब के अंदर लेके चलता हूँ। जैसे कि अभी आप देख रहे हो बावड़ी, बावड़ी क्या होती है, जैसे कि तालाब है, पूरी मैं डिटेल आपको दे देता हूँ। ये जो अंदर खाई खोदी हुई, इसको पुराने जमाने में पहले के लोग, यहाँ के आसपास के लोग है, इसको खोद के यहाँ पे डालते। जब गवर्नमेंट का कोई टेंडर आता था, फेमिन आती थी, उसको खोद के इसको बड़ा किया जाता। उससे पहले आसपास के लोग रहते थे, उनके पानी की कमी थी, इस वजह से तालाब को खोद के पानी का स्टोरेज करने की जगह बनाते थे। जैसे ही बारिश यहाँ पे हो जाती है, ये पानी पूरा स्टोरेज यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद में काफ़ी महीने, जैसे कि 6 महीने आराम से चल जाता है, 6 महीने तक तालाब में पानी रहता है, फिर यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर खासियत बात ये आती है कि आपने सुना होगा पुराने ज़माने में पानी को स्टोरेज करने के लिए कुएँ या बावड़ी का इस्तेमाल करते थे, जो काफ़ी गहरा होता था। जैसे कि ये तो पानी स्टोरेज के लिए होता था, परंतु इनकी खास बात ये होती थी स्टोरेज के लिए नहीं होता था, जो भी जमीन के पानी से निकालने के लिए होता है, जैसे कि आज की तारीख में बोरिंग कहा जाता है। पर पुराने ज़माने में बावड़ी होती थी जिसको पानी के लिए काम में लिया जाता था, उनको काफ़ी गहराई तक खोदा जाता था। खोदने के बाद में जब 200 या 250 फीट तक इनको खोदते थे, तो इनके अंदर पानी आना शुरू हो जाता था। और इनका पानी इतना ठंडा होता है, फ्रीज से भी ज़्यादा ठंडा होता है गर्मी के दिनों में भी, क्योंकि अंदर का पानी बिल्कुल ठंडा होता है। अभी मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, ये बावड़ी है, बावड़ी का पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ कितनी गहरी है, और इसके अंदर अभी पानी भी पड़ा है। अभी आसपास के लोग इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि सबके घर में टैंक खोद दिए और पानी बाहर का मंगवाते हैं, टंकी डलवाते हैं, इस वजह से अब इनको कोई यूज़ नहीं करते। लगभग 40 या 50 साल खूब यूज़ किया जाता था, आस पास में पानी होता नहीं था और कोई साधन नहीं था। जैसे कि ये सूख गई है, और इस प्रकार आप देख रहे हो ये बावड़ी होती है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। इसका मेन कारण ये, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं होता, तो इससे पानी निकालने के लिए सबसे आसान तरीका था और यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी आप बावड़ी देख रहे हो, अलग अलग इतनी ज़्यादा क्यों, इन पे ऐसे होता था कि कोई घर है उनका हक होता था। उसके गांव में जैसे कि पहले कम जनसंख्या थी, तो 10 घर या 20 घर, 40 घर ऐसे होते थे, तो एक घर की एक बावड़ी होती थी। उसके अनुसार किसी को दूसरी खोदनी है तो साइड में जगह होती, वहाँ पे जाके खोद लेते। तालाब के अंदर खोदने का ये जरिया था, कभी बारिश नहीं हो तो, पहले बारिश यदि हुई हो तो उसका पानी इसमें स्टोरेज हो जाता था। इसके अलावा तालाब में खोदने का रीज़न ये था कि तालाब में पानी सबसे जल्दी आता ऊपर, क्योंकि आप नॉर्मल जगह जैसे कि पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ पर आप खोदोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी गहरा खोदना पड़ेगा, क्योंकि पानी होता नहीं।
इसके अंदर पानी आता, स्टोरेज होता है, वो पानी कम गहराई पर होता है, इस वजह से बावड़ी को इसके अंदर खोदा जाता है। अभी जैसे कि अभी आप देख रहे हैं बावड़ी है, कुआ नहीं है, कुआ सबसे बड़ा होता है जो कि कम ही होता है। कभी किसी गांव में, बड़े गांव में 4-5 होता है जो कि राजा महाराजा खोदाते थे अपने यूजेस के लिए। अभी जैसे कि अभी आप देख रहे हो तो इस प्रकार की बावड़ी होती है। तो मैंने आपको इनकी स्टोरी बता दी है इस प्रकार है। अभी जैसे कि आज से कम 10 साल पहले मैंने इनको देखा था, तब यहाँ पे पानी लेने के लिए खूब आते थे। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ आसपास में कोई दिख नहीं रहा। इसका रीजन ये हो गया कि अभी जो पानी है टैंक से मंगवाते हैं, खुद के घर पे टैंक बनवा दिए, इस वजह से पानी को वहाँ स्टोरेज कर लेते, उसके बाद में पानी यहाँ पे लेने नहीं आते। थोड़ा सा दूर भी रहता था पर इनसे अभी कोई पानी लेने नहीं आता। इस प्रकार बावड़िया का यूज होता था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो बना के लेके आते रहे। धन्यवाद।